तीसरी शर्त क्या है कि पाकी की हालत में औरत होनी चाहिए, तब जाके उसको वो तलाक दे सकता है। हजरत उमर के बेटे ने जो है अपनी बीवी को नापाकी की हालत में यानी हेज की हालत में तलाक दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में जब मामला आया तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि रुजू करो, अब ये जब पाक हो जाए और उसके बाद में फिर इससे दूरी बना के रखो, उसके बाद फिर हेज आए उससे पाक हो जाए, फिर तुम चाहो तो इसको रखो, चाहो तो तलाक दो। यानी नापाकी की हालत में तलाक नहीं दी जा सकती है। बल्कि दो बार कहा कि एक ये वाली पाकी जो अभी है करंट, और उसके बाद में फिर दूसरी वाली पाकी दूसरी बार जब आएगी तब जाकर उसकी फिर तलाक, फिर चाहो तो तलाक दो, नहीं तो फिर उसके तुम रुजू कर लो। अब इसमें हम देखें इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इसको बचाने के लिए अल्लाह के रसूल अल्लाह ने कितना उसमें वो दिया कि इसके हालत में नहीं देना, दूसरा कि इसमें कितना वक्त लगेगा, वो इतना वक्त के अंदर तो उनका गुस्सा काफूर हो जाएगा, खुद ही रुजू कर लेंगे, पूरा एक महीना डेढ़ महीना का वक्त लग जाएगा, एक महीना लग जाएगा तकरीबन। और बहुत से उलमाओं की राय यही है कि इसमें नापाकी की हालत में तलाक नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद साथ में कई ये भी कहते हैं कि नहीं, नापाकी हालत में दी, गुनाह था, गुनाह किया, लेकिन तलाक हो गई, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने मना ही कर दिया कि इसके अंदर देना ही नहीं, वो उनसे कहा भी कि पहले तो नहीं उसके बाद में फिर। अब ये अलग एक मसला है। तो लेकिन फिर अगर इसमें दे दिया, पहले तो कह रहे कि नहीं देना चाहिए, गुनाह है, उसके बाद में कह दिया कि फिर इसको तलाक हो गई। शेख इब्ने तेमिया रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि इस तरह से तलाक नहीं होगी कि जो रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस सुनाते हैं, इस ये उनका फतावा है, वो फतावा के बाद कहते हैं कि इस तरह से तलाक नहीं होती, और उन्होंने साथ में अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे बताए हुए तरीके पर नहीं है तो वो अमल रद्द कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। यानी कि वो फिर उन्होंने कुरान की आयत भी पढ़ी और कहा कि फिर क्या कहा कि अल्लाह ने ऐसी ही तलाक का तरीका कुरान में दिया है, यानी ऐसा अमल माना नहीं जाएगा। शेख इब्ने तेमिया ने भी यही कहा कि जब आपने वो खिलाफ शरिया कहा, जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया उस चीज़ को आपने किया तो वो तो रद्द हो गया, क्योंकि आपने अल्लाह के रसूल वसल्लम तरीके पर नहीं किया, और तरीके पर जो अमल नहीं किया तो वो रद्द है, वो तो कबूल ही नहीं है, तो फिर वो तलाक कैसे पड़ेगी। तो इसके लिए भी शर्त है कि वो पाकी की हालत में, तहूर की हालत में होना चाहिए, तो फिर ये होगा। चौथी शर्त क्या है कि गवाह मौजूद होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि दोनों अंदर लड़े और लड़ते लड़ते उनको रात को लड़ाई हुई, सुबह लड़ाई, दोनों अंदर थे और बोल दिया और हो गया तल्लाक, ये भी खिलाफ शरीयत है, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं, इसे तल्लाक नहीं होता। ये जो चौथी शर्त क्या है, अबू दाऊद की रिवायत है, इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते हैं कि इनके पास में एक शख्स के बारे में इनको बताया गया, लाया गया कि शख्स के जो है हज़रत इन्होंने जो है अपनी बीवी को तलाक दे दिया, वो तलाक दे दिया और उसके बाद में खुद रुजू भी कर लिया, कोई गवाह भी नहीं था। तो उन्होंने बताया, उन्होंने फिर ये कहा कि रसूल के तरीके और ये कुरान के तरीके के ख़िलाफ़ है, अगर तुम तलाक दे, अगर तलाक दे तो फिर गवाह रख, और रुजू करे तो भी गवाह रख, यानी कि तलाक छोड़ने के लिए भी गवाह रखना है और रुजू करने के लिए भी जो है गवाह रखना है। तो रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं किया तो कहा कि आइंदा मत करना, ये नहीं कहा कि चलो हो गया तुम्हारा तलाक, ये कहा कि आइंदा इसको मत करना। तो ये है कि उसके अंदर गवाह भी होना चाहिए, ये भी शर्त है, और ये सूरह तलाक में अल्लाह ने फरमाया, सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 2 में फरमाया कि जब इद्दत को पहुँच जाए, जब इद्दत को पहुँच जाए यानी जिसको तलाक दिया उस औरत को, तो इद्दत को पहुँच जाए तो या तो भले तरीके से उसको रोक लो या फिर जो है उसको भले तरीके से छोड़ दो, और दो आदिल गवाह रख लो। आदिल गवाह होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि किसी को भी उठा के रख लिया, आदिल, जिसके लिए मालूम हो लोगों के कि हाँ ये इंसाफ वाले लोग हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, ऐसे आदिल गवाह होने चाहिए, तो उनके सामने होगा, ये नहीं कि किसी को भी बुला लिया और उसके सामने बोल दिया, आदिल होने चाहिए, इंसाफ करने वाले जो। तो ये तलाक में गवाह होना और इद्दत के बाद भी, क्योंकि इद्दत के बाद भी होना चाहिए, ये भी इसके अंदर फरमाया गया हदीस के अंदर कि इद्दत के बाद में भी उसके अंदर जो है गवाह होना चाहिए। अब जो इसके खिलाफ करेगा, क्योंकि ये भी हदीस आ गया, गवाह के खिलाफ किसी ने कर दिया, गवाह नहीं और उसने तलाक दे दिया तो क्या होगा, वो कैंसिल, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया कि जो हमारे तरीके से नहीं किया, जिसने कोई अमल हमारे तरीके से, तो वो अमल रद्द है। तब जब कुरान में कह दिया कि दो गवाह रखो,
जब हदीस में आ गया कि आइंदा ऐसा मत करना, दोनों वक्त में तलाक देने में भी गवाह रखो और रुजू करने में भी गवाह रखो। अब इसके खिलाफ कोई करता तो वो क्या हो गया, रद्द, कैंसिल, कबूल ही नहीं होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ यही कि करने का तरीका तो ये हो गया कि तलाक हो गई, नहीं कह दिया, अकेले में कह दिया, किसे भी कह दिया, लिख के भेज दिया, इशारे से कह दिया, तलाक हो गई। और यहाँ देखो कुरान और हदीस में अलग मसले आ रहे हैं, तो ये सारे तरीके जो है उसमें दिया गया, तो इसे तलाक नहीं होती। तलाक का ये है कि खिलाफ शरिया अगर कोई तलाक देगा तो वो तो रद्द हो जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लम ने कह दिया कि वो अमल रद्द हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो बस ऐसा हो गया कि जरा सा किसी ने किसको बोल दिया, थोड़ा सा भी मार्जिन है तो बस उस मार्जिन को लेके बस तोड़ दो, इनको अलग कर दो, अलग जुदा कर दो इनको, उसमें लगे और दीन देखे आपको जोड़ने में लगा हुआ कि कैसे भी करके जुड़ जाए, तो ये इसमें लगे और दीन जोड़ने में लगा, इसको जुदा करने में लगे।